हेलो दोस्तों नमस्कार मैं नीतीश वर्मा स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में दोस्तों अगर आप के पास गूगल एक्शन का अकाउंट है तो उसमें आपको एक एरर दिख रहा होगा कि आपको सिंगापुर टैक्स इन्फो जो है सबमिट करना है और इससे पहले भी हमने यूएस टैक्स इन्फो को भी सबमिट किया था तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ अगर आपने अभी तक सिंगापुर टैक्स इन्फो को सबमिट नहीं किया है तो आप इसको किस तरीके से करेंगे पूरी डिटेल दिखाने के लिए अभी मैं ले चलूंगा आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे जहाँ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसेस बताने वाला हूँ तो बिना समय गवाए चले चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ तो दोस्तों यहाँ मैं आ गया हूँ अपने एडसेंस अकाउंट में सीधा आपको जाना है व्यू पेमेंट्स के अंदर और यहाँ आपको एरर दिख जाएगा एड टैक्स इन्फो जो आपको बता रहा है कि आप टाइम से सबमिट कर दीजिए जिससे आपके पेमेंट आने में कोई दिक्कत ना हो तो सिंपली हमें एट टैक्स इन्फो पर क्लिक कर देना है ओके okay, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि योर टैक्स रिलेशनशिप विद गूगल इज़ बेस्ड ऑन द टैक्स इन्फॉमेशन यू सबमिट एंड इन्फॉर्मेशन इन योर पेमेंट प्रोफाइल तो जैसे आप, 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 आप सबमिट करेंगे तो जो है आपके प्रोफाइल में ये शो हो जाएगा तो सिंपली अब हम क्लिक करते हैं एट टैक्स इन्फो पे यहाँ पे दिया हुआ है कि इस प्रोसेस में आपको पाँच से दस मिनट लगेंगे जो डॉक्यूमेंट आप अपलोड करेंगे वो पी डी और जे फॉर्मेट में होना चाहिए और कलर स्कैन होना चाहिए मतलब जो डॉक्यूमेंट आप आ, वहाँ पर डालेंगे स्टार्ट पे क्लिक करते हैं और स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पे हमें बिजनेस इनफो डालना है तो बिजनेस टाइप में हम इंडिविजुअल डालते हैं ये जो दोनों ऑप्शन है इसको हमें नो, नो कट लेना है और जो है यू ए एन नंबर जो है यूनिक एंटिटी नंबर तो ये ऑप्शनल है इसको हमें छोड़ देना है टैक्स एग्जशन में हमको यस yes कर देना है ऑटोमेटिकली हमारा इंडिया सिलेक्ट हो जाएगा और यहाँ पे टैक्स रेसिडेंसी सर्टिफिकेट को सिलेक्ट कर लेना है अपलोड पे क्लिक करना है और सिंपली हम पैन कार्ड को यहाँ पे अपलोड कर देंगे बहुत छोटा सा फॉर्म है और पैन कार्ड अपलोड होते ही देन हम कल, क्लिक कर देंगे सबमिट के ऊपर सबमिट पर क्लिक करने के बाद हाँ, हमारे पास जो है फ़ाइनल जो है स्टेटस आ जाएगा और इसके साथ ही हमें मेल पे भी इसकी अपडेशन आ जाएगी तो हम मेल भी चेक करेंगे तो ये देख सकते हैं छब्बीस दिसंबर दो और अभी ये रिव्यू में है और हमने जो है अपना ये टैक्स इन्फो सबमिट कर दिया है और स्टेटस एक्सेप्टेड एक्सपायर्ड ऑन नेवर एक्सपायर क्योंकि पैन कार्ड हमारा एक्सपायर नहीं होता है तो ये आपने देख लिया मैं एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ हम यहाँ इसको रिफ़्रेश कर रहे हैं और पेज हमारे सामने ओपन हो जाएगा और आप देख सकते हैं कि स्टेटस इन रिव्यू और यहाँ पे मैं आपको मेल खोल के भी दिखा देता हूँ जैसे ही आप सबमिट करते हैं फटाक से आपके पास मेल आ जाता है तो ये देखिए गूगल पेमेंट्स की तरफ से हमें मेल आ गया है पहला मेल हम ओपन करते हैं तो पहला मेल ही है योर सिंगापुर टैक्स इन्फॉर्मेशन हैज़बिन एक्सेप्टेड तो और जो एक दूसरा मेल है ये जो टैक्स रेसिडेंसी टैक्स इन्फॉर्मेशन हैज़ चेंज्ड तो ये भी हमें आ गया और इसके साथ ही हमें दूसरा मेल भी आ गया कि हमारा जो है टैक्स इन्फो सबमिट हो गया है ये आप देख सकते हैं कि सिंगापुर टैक्स इन्फॉर्मेशन हैज़ बिन एक्सेप्टेड तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही मिलता है अगले वीडियो में धन्यवाद